आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। आज मैं बात करने वाली हूँ लाइव न्यू ईयर पे। क्या नाम है बेटा आपका? राजेश। राजेश, राजेश न्यू ईयर पे आप क्या सोचते हो आगे आज बेटा? मैं होटल के सामने अपनी रील बना रही थी न्यू ईयर की, और ये बेटा झाड़ू लगा रहा था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा नए साल पे मेरे से बात करोगे? इसने बोला हाँ करूँगा। अभी आप बताओ, पुराने साल में खुश थे? पुराने साल खुश थे, लेकिन करोना थोड़ा परेशान कर रहे। हाँ। तो नया साल आ रहा है, जिंदगी अच्छा चलता। तो नए साल के लिए क्या बोलना चाहोगे? नए साल के लिए तो बहुत खुश रहना है, बहुत जिंदगी में कुछ करना है, तो आगे बढ़ना है। तो तो जो भी आप काम करते हो उससे खुश हो? हाँ खुश हो। बहुत। आप क्या काम करते हो होटल में? होटल में थोड़ा वेटर में काम करते हैं। तो अभी आप झाड़ू लगा रहे थे। हाँ। तो झाड़ू वाला काम करने से खुश हो? नहीं खुश नहीं, लेकिन क्या करना है, पैसा के लिए कुछ भी, दाल रोटी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मतलब कि हमको किसी भी हालात में खुश रहना है। हाँ। ना कहने का मतलब ये है, हम जिस हालात में हैं, जिस हालात में हमको भगवान ने रखा है, हमको खुश रहना है, यही कहना चाहते हो? ये बहुत शर्मा रहा था, मैंने कहा मुझे आपके साथ से नए साल पे किसी नए इंसान के साथ में दो बातें करनी है, दो ऐसी सच्ची बातें बतानी है जो कि हर इंसान सोचता है। तो आप नए साल में अपनी तरक्की के लिए अल्लाह को, भगवान को प्रार्थना करोगे कि मेरे को तरक्की है। और मेरे पेज के लोगों को क्या बोलना चाहोगे अपनी तरफ से कि सबको कैसे खुश रहना चाहिए? खुश रहना चाहते, भगवान अच्छा करे, सब खुश रहना, नया साल आ रहा है, जिंदगी अच्छे से। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। जिस हाल में भगवान रखे खुश रहना चाहिए। नया साल तो एक दिन मनाते हैं, बट पूरा साल हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, पूरा साल हमको दुखी नहीं होना चाहिए। जिस हाल में भी भगवान रखे हमको खुश रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मनोज ना। थैंक यू। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से? तो बॉम्बे कब से रहते हो? चार पाँच साल हो गया। चार पाँच साल हो गया। अकेले रहते हो? अकेले। कितनी उम्र है आपकी? 21। देखो जी, 20-21 साल के बच्चे दूसरे शहरों में आके कितनी मेहनत करते हैं, और ये यहाँ पर सामने होटल में लगा रहे थे, यहाँ पर क्लीन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर की रील बना रही थी न्यू ईयर का, तो मैंने कहा इससे बात करूँगी बेटे से, और इसको खूब सारी ब्लेसिंग दूँगी। खुश रहो हमेशा, बहुत सारी मेहनत करो ज़िंदगी में, हमेशा तुम्हें भगवान कामयाबी दे। थैंक यू। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रुको, मुझे अभी आपको न्यू ईयर का टिप देना ना, है ना, क्योंकि मेरा काम है कि मैं सबको, आप सबको पता मैं खुशी देती हूँ, और मेरा पर्स गाड़ी में, और मैं कुछ ना कुछ ये बच्चे के हाथ में दूंगी अपने नए साल की, जो मैं खुशी करती हूँ आप सबको पता है। इनको थोड़ी सी खर्ची दूंगी, जो कि ये अपने लिए कोई ना कोई मेरी तरफ से नए साल का गिफ्ट खरीदना है ना। एक टी शर्ट के पैसे तो दे ही दूंगी, कुछ भी दे दूंगी, खा लेना, कुछ भी कर लेना, क्योंकि मैं होटल में नहीं गई, लेकिन मैं होटल के वेटर को पकड़ के इनकी हेल्प कर रही हूँ, इनको प्यार दे रही हूँ। और आप सब भी ऐसे जो लोग भी देखें उनकी मदद कीजिए, उनको प्यार दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चलो जी रुको, एक होल्ड करो। हाँ ए प्रेम, प्रेम देखो जी, मैं पर्स में से ले ही खर्ची बच्चे के लिए। मनोज लो, मेरी तरफ से न्यू ईयर मम्मी समझ के मेरा गिफ्ट लेना और खुश रहना, राह चलते लोगों की मदद करना, ये मेरी खुशी है, मैं हमेशा करती हूँ। आज मनोज का नाम लिखा था नए साल में, 30 तारीख है ना, आज 30 तारीख साल जा रहा है, लेकिन हमको ऐसे ही खुशियाँ बांटनी है। खुश रहो बेटा, बाय, जाओ काम करो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। नए साल की खुशियाँ मैं तो ऐसे मनाती हूँ, आप कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और खुश रहिए, नया साल बहुत अच्छा है, बहुत खुशियों से भरा है, खुश रहिए। क्योंकि मैं होटल में इस बार नहीं जा पाई, शायद नहीं जाऊंगी, आज 30 तारीख है, बट आप लोग के लिए न्यू ईयर का मैं रील बनानी आई और मुबारक देने के लिए आई। तो मुझे बच्चा दिख गया, तो मैंने कहा चलो इसको मैं अपनी खुशी इससे बांटती हूँ। तो मनोज को गिफ्ट दे के मैं हो गई बहुत बहुत खुश। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, देखो मेरे पीछे कितना प्यारा सुंदर होटल सजा है। बाय बाय।